छत्तीसगढ़ के चिमरी गांव में पैदा हुई एक लड़की, नाम वंदना तिवारी उर्फ गहना वशिष्ठ। पढ़ाई में टॉपर, माँ बाप की लाडली। कौन है गहना वशिष्ठ, कैसे पहुंची बॉलीवुड में और फिर पॉर्न फिल्मों की काली दुनिया में, आज की फिल्मी कहानी में बताएंगे सब कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया और मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक और फिल्मी कहानी लेकर। इन दिनों पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा सुर्खियों में है तो वो है गहना वशिष्ठ। गहना छत्तीसगढ़ के चिमरी गांव में पैदा हुई थी। उनके पिता राजेंद्र एक कोल माइन में मजदूरी किया करते थे। गहना बड़ी ही सीधी साधी, पढ़ाई लिखाई में मन लगाने वाली लड़की थी। पॉर्न फिल्मों की तो बात छोड़िए, गहना ने तो कभी नॉर्मल फिल्मों में काम करने के बारे में भी नहीं सोचा था। वो तो हमेशा से ही एक इंजीनियर बनना चाहती थी। उन्होंने चिमरी के सरकारी हाई स्कूल से पढ़ाई पूरी की। गहना पढ़ाई में काफी तेज थी। 11वीं क्लास में उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट लिए थे। इतना ही नहीं, 12वीं में गहना के 71% मार्क्स आए थे। गहना के एक स्कूल टीचर थे जिनका नाम है जगदीप सिंह। उन्होंने गहना के बारे में बात करते हुए कहा था, हमारे स्कूल में बहुत सी डांस और ड्रामा एक्टिविटी हुआ करती थी, लेकिन गहना उन लड़कियों में से थी ही नहीं। उसने कभी भी स्कूल में किसी कल्चरल एक्टिविटी में पार्ट ही नहीं लिया। अगर ऐसा था तो आखिर गहना को एक्ट्रेस बनने का कीड़ा आखिर कब काटा? आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा होगा। दरअसल गहना वशिष्ठ ने 12th के बाद इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया और उनका भोपाल में सिलेक्शन भी हो गया। अपने गांव चिमरी से गहना भोपाल चली आई और वहां जाकर गहना का रूप पूरी तरह से बदल गया। भोपाल में गहना इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग भी करने लगी। उन्होंने भोपाल में एक लोकल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया जिसमें वो जीत भी गई। इसके बाद गहना को मॉडलिंग के ऑफर आने लगे। तब जाकर गहना को लगा कि अब उन्हें मुंबई में शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए मुंबई ही देश का सबसे बड़ा हब है। मॉडलिंग का जुनून गहना पर ऐसा छाया कि वो अपने बचपन के सपने यानी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को छोड़कर भोपाल से मुंबई आ गई। मुंबई आकर उन्होंने सबसे पहले अपना नाम बदला और वंदना तिवारी से बन गई गहना वशिष्ठ। मुंबई आकर गहना ने 2012 में एक एशिया लेवल के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया जिसमें उन्हें मिस बिकनी एशिया का खिताब भी मिला। इस खिताब के बाद गहना ने कई बड़े ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की। कुछ साउथ और बॉलीवुड फिल्मों में गहना ने काम किया और खूब बोल्ड सीन दिए। इसी बीच गहना को एकता कपूर की वेब सीरीज गंदी बात में काम करने का मौका मिला। बोल्ड सीन की वजह से ही वो राज कुंद्रा की कंपनी के संपर्क में आई। पॉर्न और इरोटिक फिल्मों में काम करते करते गहना इन फिल्मों की डायरेक्टर भी बन गई। जहां एक तरफ गहना इन फिल्मों से खूब पैसा कमा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ गहना के परिवार वाले गहना के काम से काफी शर्मिंदा थे। गहना के परिवार वालों ने उनसे रिश्ता ही खत्म कर लिया, लेकिन इसका गहना पर कोई असर नहीं पड़ा। गहना बी और सी ग्रेड की फिल्मों में काम करती रही और इस इंडस्ट्री में अपने पैर जमाती रही। फिर 2020 में गहना वशिष्ठ खूब सुर्खियों में आई जब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। गहना ने उस वीडियो में अपनी कमर के नीचे तिरंगा लपेटा हुआ था और वो काफी बोल्ड और इरोटिक अंदाज में पोज दे रही थी। ये वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर काफी खलबली मची। इसी वीडियो की वजह से मुंबई में कुछ लोगों ने गहना के साथ मारपीट भी की, जिसके बाद गहना ने वीडियो पर सफाई पेश करते हुए ये भी कहा था कि ये वीडियो उनके किसी दोस्त ने अपलोड किया था। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि गहना ने फेमस होने के लिए ये काम खुद किया था। गहना ऑल्ट बालाजी के स्टार प्लस सीरियल बहने में भी काम कर चुकी हैं। गहना वशिष्ठ अब तक करीब 70 से 80 एड्स में काम कर चुकी हैं। साथ ही 30 साउथ फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। उन्होंने बड़े पर्दे पर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 में योगराज सिंह और अतुल वासन के साथ एक शो भी होस्ट किया था। अब राज कुंद्रा की गिरफ्तारी से पहले क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने गहना को गिरफ्तार किया था। गहना के ऊपर राज कुंद्रा के साथ मिलकर एडल्ट वीडियो शूट करना और उन्हें ऐप पर अपलोड करने का आरोप लगाया हुआ है। राज कुंद्रा की तरह ही गहना भी इस केस में बुरी तरह से फंसी हुई है। फिलहाल वो बेल पर बाहर है। क्राइम ब्रांच ने उन्हें समन भी भेजा हुआ है। कई एक्ट्रेस ने गहना पर आरोप लगाया है कि उन्होंने हमें अपनी फिल्मों में बोल्ड सीन करने के लिए और न्यूड सीन देने के लिए ब्लैकमेल किया था। इस केस में गहना का नाम सामने आने की वजह से कुछ मीडिया के लोगों ने गहना के परिवार वालों से बात करने की कोशिश की,
लेकिन जब गहना के पिता से कांटेक्ट किया गया तो उन्होंने कहा कि वो किसी गहना नाम की लड़की को नहीं जानते, हमारी कोई बेटी नहीं है। खैर, गहना के केस में आगे क्या होता है ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा, फिर हाजिर होंगे एक और फिल्मी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, और जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।